सब्सक्राइब करें आपके YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं, नहीं नहीं आप ये कह रहे हैं कि अगर वो ओवैसी साहब के साथ चले गए तो वो बंगाल से प्रेम नहीं करेंगे, जो कि बिल्कुल शादाब साहब अभी कह रहे थे कि हमारे साथ धोखा होता आया है, तमाम सारे पार्टियों ने धोखा किया है, तो अगर वो ओवैसी साहब के साथ चले जाएंगे तो यू आर सजेस्टिंग कि वो बंगाल प्रेम नहीं होगा। अगर वो ओवैसी के साथ, अगर मुस्लिम वोटर्स ओवैसी को सपोर्ट करेंगे, जो करेंगे नहीं वो कभी भी, पर अगर किए भी तो वो लोग उल्टा बीजेपी को वोट देंगे, जो बीजेपी एक धर्म के नाम पे उनके साथ इतना उन्होंने अन्याय किया है, ये सीधा बात है। जी शादाब, कुछ कहना चाहते हैं शादाब? मैं बिफोर आई गो टू कांग्रेस ऑन जी शादाब, क्विक रिस्पॉन्स। जी 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 ऑफकोर्स। टीएमसी के प्रवक्ता साहब से मेरा ये सवाल है कि आप कौन सा सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हैं कि अगर कोई पीस पार्टी को वोट दे देगा, टीएमसी को वोट नहीं देगा, तो वो सेकुलर नहीं रह जाएगा क्या? वो बंगाली नहीं रह जाएगा? हम अपना नेता खुद चुनेंगे। दूसरी बात, आप लोग सरकार में हैं, क्या आप बताइए माइनॉरिटी बजट क्या 100% पहुंच गया? क्या बंगाल के मुसलमानों को, मुर्शिदाबाद और तमाम क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के जो बुनियादी मुद्दे थे वो पूरे हो गए? अगर आपने शिक्षा और स्वास्थ्य दे दिया होता तो आज शायद किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम लोग वहां जाएं या कोई भी दल जाए, कल को उत्तर प्रदेश में हम लड़ेंगे तो तब भी कहा जाएगा चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई वोट नहीं देगा तो वो एंटी नेशनल हो जाएगा, और सपा, बसपा, कांग्रेस और टीएमसी को वोट नहीं देगा तो वो सेकुलर नहीं रहेगा। मैं दोनों के सर्टिफिकेट को नकारता हूं, देश के लोग नकारने जा रहे हैं, हम लोग मुद्दे की बुनियाद पर वोट देंगे, वी वांट टू चेंज। राइट जी रिजू, जवाब दे दूं छोटा सा? बिल्कुल जवाब छोटा सा दीजिए, इसके बाद मैं रुक आगे करूं। हाँ, बीजेपी ये प्रमाणित हो गया है कि बीजेपी ने खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया है कि पूरा हिंदू धर्म का वही ठेकेदार है, वैसे ही एमआईएम ने खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया कि मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म का वही ठेकेदार है। तो चलिए, इन दोनों के खेल में टीएमसी कम से कम सेकुलर है। और मैं आप लोगों को एक चीज इतना बता दूं कि मुसलमान जितना यहाँ पर सुरक्षित है, जितना यहाँ पर उनके लिए काम किया गया है, वो हर छोटे से बड़े तौर पे भी मुसलमान बीवी के साथ है, वो बीवी के साथ है, यहाँ सुरक्षित नहीं, क्या आप कहना चाहते हैं मुसलमान ममता बनर्जी के ममता बनर्जी के वजह से सुरक्षित है? एहसान कर दिया आपने, देश का नागरिक नहीं है बंगाल का मुसलमान, ये बंगालियों का अपमान है, ये बंगालियों का अपमान कर रहे हैं, आप बंगालियों का अपमान कर रहे हैं, बंगाल के 27% मुसलमान का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी की बुनियाद पर है, हमने बाई चॉइस इंडियन है, वी आर बाई चॉइस इंडियन, हम बाई चॉइस इंडियन है, आप नहीं तय कर सकते हैं कि आप कौन किसकी बुनियाद पर है, क्या हम आपकी भीड़ पर है, क्या आपकी भीड़ पर जिंदा है बंगाल का मुसलमान, क्या आपकी भीड़ पर जिंदा है बंगाल का मुसलमान, बंगाल का मुसलमान बंगालियों का अपमान कर रहे हैं? मैं दोनों को नहीं है, जनता ने चुना ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी को शादाब की ऑडियो डाउन। हाँ रिजू, आपकी दिक्कत क्या है, ये आप क्या सेंटेंस पूरा करिए, आपकी दिक्कत क्या है, आप कह रहे थे? मेरा दिक्कत यही है कि इन शादाब जी जैसे कुछ यहाँ के मुसलमान है जो यहाँ अपने ईमान को बेच दिए हैं, और बंगाल के जो मुसलमान है वो भारतीय भी है और बंगाल के भी है, और वो बंगाल की भले के लिए बीबी के साथ है, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड। मैं शादाब आ रहा हूँ, शादाब आ रहा हूँ, बंगाल के भलाई के लिए वो दीदी के साथ है। नाजिया, मैं कभी भी इस तरह से नहीं देखता, और ना ही मैं डिबेट तो मैंने बहुत अरसा हुआ, हालांकि मेरे पर भी इल्ज़ाम लग जाता है कभी कभी कि मैं डिबेट हिंदू मुसलमान कर देता हूं, लेकिन मेरी कोई मंशा नहीं है, ना ही मैं इस डिबेट को उस तरफ ले जाना चाहता हूं, ये बहुत वाजे कर देता हूं इस बात को, बहुत साफ कर देता हूं इस बात को, ना ही डिबेट को उस तरफ का उस रुख है, और जो भी अगर दिमाग में कहीं से किसी ने कंसीव किया है कि डिबेट कहीं उस तरफ जाएगी, तो निश्चित तौर से मैं उसको काट देता हूं, डिबेट उस तरफ है भी नहीं। लेकिन नाजिया इलाही, मैं आपको पहले देता हूं मौका, क्योंकि टीएमसी के जो प्रवक्ता रिजु दत्ता ने कुछ बातें कही। नाजिया इलाही एडवोकेट है कोलकाता से। बिरजू साहब, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि मैं भी यहाँ पर मुसलमान बैठी हूँ और जमाने से पश्चिम बंगाल में रह रही हूँ, पश्चिम बंगाल की गलियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मुसलमान कितने परेशान हैं और किस तरह से वो लोग झेल रहे हैं पिछले 10 सालों से, वो मैंने देखा है। आप जाकर के पोर्ट देखिए, आप जाकर के नादियाल देखिए, आप जाकर के राजा बाजार देखिए, बेलगछिया देखिए, बेग बगान देखिए, आपको समझ में आ रही है बात? आप जाकर के मोगरा हाट देखिए, जयनगर देखिए, मुसलमान खाने खाने को तरस रहे हैं।
ये बड़ा बड़ा किला फरहाद हकीम ने जो बना करके रखा है अपना और इतना पैसा लूट के रखा है, इससे सारे मुसलमान अमीर नहीं हो गए? सारे मुसलमानों की दशा अच्छी नहीं हो गई है? आप बैठे बैठे नेशनल टेलीविजन पर जो सेक्युलरिज्म का झंडा गाड़ रहे हैं, सेक्युलरिज्म, और एक दिन का मुहर्रम का छुट्टी लेकर के मुसलमान क्या करेगा? गले में पहनेगा डायमंड का नेकलेस समझ करके? हम लोगों को एक दिन का मुहर्रम का छुट्टी नहीं चाहिए, हम लोगों को नौकरी चाहिए, हम लोगों को शिक्षा चाहिए। कौन सी बात आप कर रहे हैं यहाँ पर सेक्युलरिज्म का? मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा मैं आपसे मेरे नए वीडियो के साथ। उसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।